नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नईगढ़ी लालगंज मार्ग पर बीती रात बाइकर्स गैंग द्वारा एक युवक से मोबाइल एवं नकदी लूट की घटना का नईगढ़ी थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से लूट का मशरूका जब्त करते हुए तीन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में सफलता हासिल की है। घटना के संबंध में बताया गया है कि फरियादी सुरेश साकेत पिता केसरी प्रसाद साकेत निवासी ग्राम दहिया थाना नईगढ़ी 23 सितंबर की शाम नईगढ़ी बाजार से घर की ओर जा रहा था कि ग्राम पंचायत दहिया के पास मुख्य मार्ग पर बाइक सवार दो अज्ञात युवक के हाथ से मोबाइल एवं 15,000 रुपए लूट कर फरार हो गए थे। पीड़ित की शिकायत पर नईगढ़ी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर संभावित स्थान पर जगह जगह दबिश देते हुए आरोपियों के गिरेबान तक पहुंची। लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी आशीष पुरी पिता इंद्रमणि पुरी उम्र 24 वर्ष निवासी धर्मंदरी थाना नईगढ़ी जिला मऊगंज, अमित पुरी पिता नागेश्वर पुरी उम्र 24 वर्ष निवासी कधरमंदरी थाना नईगढ़ी जिला मऊगंज को संदेश के दायरे में हिरासत में लिया गया तो आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया और बताया कि लूट किया गया मोबाइल उसके साथी विवेक पटेल पिता सुरेश पटेल उम्र 19 वर्ष निवासी सोनवर्षा थाना नईगढ़ी के पास है। आरोपियों के बताए अनुसार पुलिस द्वारा विवेक पटेल के कब्जे से लूट का मोबाइल जब्त किया गया। लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के कब्जे से 550 रुपए एवं लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त किया गया। पुलिस को आरोपियों ने बताया कि बाकी रुपया खर्च हो गया। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को हिरासत में लेते हुए आरोपियों के खिलाफ लूट शाहिद अन्य आपराधिक धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही उपरांत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। कार्रवाई करी हमारी नई गढ़ी पुलिस ने, उसने भी लूट के आरोपियों को धर दबोचा है। 23 तारीख को एक हमारे डिहिया के हैं रहने वाले सुरेश, उनके साथ तीन अज्ञात लोगों ने उनका मोबाइल, नगद और मोटरसाइकिल वगैरह से उनके साथ वारदात की। ये सब उनका छीन करके ले गए थे, जिसको प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। उसमें भी अलग अलग स्तर पर टीम बनाई गई थी। टीमों ने बड़ी सरगर्मी से तलाश करी, मेहनत करी और उसमें भी उन्होंने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिससे पूरा माल और मशरूम का बरामद हुआ है। उसमें भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम में लगे कर्मचारियों को और जो सहयोगी थे उनको उचित इनाम देने की कोशिश की। इसमें भी अन्य आरोपी हैं? इसमें तीन आरोपी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।